हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डॉक्टर बनने के लिए 10th के बाद क्या करें। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि डॉक्टर बनने के लिए आफ्टर 10th हमें कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो अगर आप ही जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है, लास्ट देखिए, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि आफ्टर 10th आपको क्या करना चाहिए, एज अ स्टूडेंट आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है। आफ्टर 10th आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक तो साइंस स्ट्रीम, दूसरा कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम या फिर ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो आफ्टर 10th आपको साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, PCB एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपको लेने हैं। 11th एंड 12th आपको इन्हीं सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट करना है। तो 11th एंड 12th आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश इन सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट करना है। आपने 12th कंप्लीट कर लिया, 12th के बाद आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। कौन सा? नीट एग्जामिनेशन, NEET। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये क्या है? एक नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है, एक एंट्रेंस एग्जाम है जिसे NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराती है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आप मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे कि MBBS, BDS, BAMS, BHMS एंड BUMS एंड अदर मेडिकल कोर्सेज। तो नीट एग्ज़ामिनेशन के थ्रू आप इन मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। नीट एग्ज़ाम में आपका जैसा स्कोर रहेगा उसी के बेस पर आपको कॉलेज मिलेगा और कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो नीट एग्ज़ाम आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है, ज़बरदस्त प्रिपरेशन करनी है आपको नीट एग्ज़ाम की, जिससे आप नीट एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें और एक अच्छे मेडिकल कॉलेज से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट कर सकें। बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, मास्टर डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेडिकल के फील्ड में डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी होती है। इंटर्नशिप आप हॉस्पिटल्स में कर सकते हैं। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद आप डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर बनने के बाद आप चाहें तो अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर किसी अदर हॉस्पिटल में ऐसा डॉक्टर वर्क कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं, लोगों का इलाज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आफ्टर 10th आपको क्या करना है? स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है। स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। और उसके बाद 11th एंड 12th अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, नीट एग्ज़ामिनेशन देना है और MBBS, BHMS, BDS, BAMS, BUMS जिस टाइप का आपको कोर्स करना है उस टाइप का कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद चाहें आप उसमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। इस तरीके से आप आफ्टर 10th डॉक्टर बनने के लिए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज देखने के लिए, मोस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, हम उसका रिप्लाई कर देंगे या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, ज़बरदस्त प्रदर्शन कीजिए और एक ज़बरदस्त डॉक्टर बनिए।